फाइनली आपकी थर्ड राउंड के लिए वैकेंट सीट्स आ चुकी हैं, पूरी लिस्ट आ गई है जिसने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर कितनी कितनी सीट वैकेंट है। मोस्टली देखो बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम की तो मैंने पहले ही बता दिया था यार, सीट्स ऑब्वियसली खत्म हो गई है, लेकिन जो भी कोर्सेज की सीट्स है जैसे जिन बच्चों ने अभी तक विड्रॉ करा था तो उनकी सीट्स वैकेंट हो गई है, आप जाके चेकआउट कर लो। उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। थर्ड राउंड की लिस्ट आपकी 22 अगस्त को शाम 5 बजे आएगी जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने अपग्रेड करा था तो भी आप ले सकते हो, अगर आपको अभी तक कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो भी आप ले सकते हो। मिड एंट्री वाले भी ले सकते हैं, कोटा वाले भी ले सकते हैं। तो यार ये जो डाउट था मैं क्लियर कर रहा हूँ। 22 से 24 तक का आपके पास एक्सेप्ट का टाइम रहेगा, तो वो सारी चीज मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। साथ ही आपका प्रेफरेंस रीऑर्डर का ऑप्शन भी आ गया होगा, तो यार रीऑर्डरिंग यार बड़े ही ध्यान से करना। उन कॉलेजेस को जिसके अंदर आपको वैकेंट सीट दिख रही है उनको आप थोड़ा सा ऊपर रखना आपके, ठीक है, जिनमें आपको ज्यादा सीट रखनी है, जिनमें आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग रखना उसको। ये नहीं यार जिन कॉलेज में 0 सीट्स हैं, जिनमें आपको चांसेस ही नहीं है बीकॉम को, उनको आप टॉप में रख दे रहे हो और फिर उन कॉलेजेस आपको मिल नहीं रहे। तो यार प्रेफरेंसेस बहुत ध्यान से भरना, मेरे को भेज देना IG Harshuri07 पे अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको बताऊंगा यार, लेकिन प्रेफरेंसेस को ध्यान से भरना है, ठीक है आपने। और उसकी आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले उसको भर देना है। 24th को आपकी थर्ड कट ऑफ आ रही है तो उससे पहले पहले आपको भर देना जो आपकी लास्ट डेट है। बाकी किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।